नमस्कार वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि जो आप ई चलान का जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और आपका जो है किसी कारणवश ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे। तो ये क्या होता है कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं, आप पेमेंट करने के बाद आप जैसे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और OTP कुछ गलत तरीका से डाल देते हैं, तो ये लिख देता है योर ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग फ्रॉम बैंक साइड, इस तरह का आ जाएगा। आप पुनः फिर हर बार कीजिएगा तो आपका जो है पेमेंट लेगा ही नहीं। तो इसका जो वेबसाइट होता है ecalan.parivahan.government.in, तो ये इसका साइड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे आप ये खोल लीजिएगा, जैसे हमने गूगल में यहाँ पे खोल लिया है, तो यहाँ पे आप डालिएगा। तो आप बार बार जैसे आप कीजिएगा तो बार बार आप फेल आ जाएगा। उसके बाद आप पूरा परेशान हो जाइएगा कि आपका पेमेंट हो गया नहीं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको 10 से 15 मिनट जो है आपको छोड़ देना है और उसके बाद कीजिएगा तो आपका आसानी से हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करते हैं, बार बार तुरंत जैसे हुआ फिर आप परेशान होते हैं, तुरंत डालते हैं, फिर आपका जो है ले गए ही नहीं। तो इसमें जो है परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट 40 मिनट छोड़ दीजिएगा, ऑटोमेटिक फिर डालिएगा और गेट डिटेल पेमेंट प्रीव्यू में कीजिएगा, ऑटोमेटिक आसानी से ले लेगा। नहीं तो अन्यथा आप परेशान बार बार होते रहिएगा। तो इस प्रकार तो मेरा भी समस्या आ रहा था, इसीलिए हमने सोचा कि बता दें इस प्रकार आप परेशान नहीं होना है और आप कर सकते हैं। धन्यवाद।